बच्चों आपके सामने एक और मजेदार उदाहरण है और इसमें यह कहा जा रहा है कि किसी समानांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। यह हमें सिद्ध करना है। आप देखिए इस चित्र में आप देख पाएंगे कि एक समानांतर चतुर्भुज ABCD है और ये हरे और लाल रेखाखंडों से हमने इन कोणों के अर्धक खींचे हैं। ये पूरा का पूरा कोण A है और AS जो है इस कोण का अर्धक है। वैसे ही BQ या BQP इस पूरे कोण B का अर्धक है और ये जो CQR है वो इस कोण C का अर्धक है, समद्विभाजक है। और ठीक इसी तरह से DSR जो आप रेखाखंड देख रहे हैं वो कोण D का अर्धक है। इन चारों अर्धकों को जब हमने यहाँ पर निर्मित किया, बनाया, तो हम देख रहे हैं कि बीच में एक चतुर्भुज की आकृति बन रही है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो बनने वाला चतुर्भुज है वो एक आयत है। आयत होने के लिए आपको मालूम है कि ये एक समानांतर चतुर्भुज पहले सिद्ध करना होगा और ये बताना पड़ेगा कि इनमें से हर एक जो कोण है वो 90° का है। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम बता पाएंगे कि जो बनने वाला चित्र है वो आयत है। तो देखें, ये समानांतर चतुर्भुज की कोणों की एक प्रॉपर्टी है, कोणों के एक गुण है, इसे हम देखते हैं। यहां से शुरू करें, इस पूरे कोण को हम DAB कहने के बजाय कोण A यदि कहें तो हमें लिखने में और आपको समझने में भी आसानी होगी। इस पूरे कोण को हम कोण A पढ़ेंगे और इसका जो आधा है जो SAB है उसे हम A/2 कहेंगे। तो ये हम सभी कोणों के लिए ऐसा मान लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले त्रिभुज PAB पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ जो बिंदु P है, ये बिंदु A और ये B, तो इन तीनों से बनने वाले त्रिभुज को देखिए। एक लाइन हरे रंग की है, दूसरी लाल रंग की और तीसरी नीले रंग की। इस त्रिभुज की तरफ अपना ध्यान लाइए और देखिए कि ये जो कोण है वो A/2 है और ये कोण A है और ये पूरा का पूरा कोण B है और ये जो कोण उसका जो आधा है उसको हम B/2 मान लेते हैं। तो इनके बारे में हम बात करें, आपको मालूम है कि कोण A धन कोण B, आप बता सकते हैं इसका मान क्या होगा? देखिए, चूंकि ये एक समानांतर चतुर्भुज है इसलिए AD और BC समानांतर रेखाओं का एक जोड़ा है और AB जो है वो तिर्यक रेखा है जो उन दोनों समानांतर रेखाओं को क्रमशः A और B बिंदु पर काट रही है। तो ऐसी परिस्थिति में ये पूरा का पूरा कोण A और पूरा का पूरा कोण B तिर्यक रेखा के एक और बनने वाले दो अंतः कोणों के रूप में है आपके सामने और आपको मालूम है कि इन दोनों कोणों का योग दो समकोण या 180° होता है। तो आप लिख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा कोण A और ये पूरा कोण B, इन दोनों का योगफल होगा 180°। अब इस कोण A का अर्धक देखिए, जो इस त्रिभुज PAB का एक कोण है, इसका मान A/2 होगा। तो आप ये कह लें कि कोण SAB जो A/2 है, इसे हम लिख लें यहां पर A/2 और ये जो कोण होगा इस पूरे का आधा होगा, इसको आप B/2 कह सकते हैं। तो यदि हम इस त्रिभुज के इन दोनों कोणों की बात करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1/2 A धन 1/2, ये कोण के लिए है, कोण की माप A है तो हम उसके आधी माप को ले रहे हैं, धन 1/2 कोण B बराबर 1/2 180°, यानी 90° का हो जाएगा। तो आप इसको लिख लें कि दोनों कोणों के अर्धकों का जो योग होगा वो 90° का होगा। अब आप देखिए त्रिभुज ABP पे गौर करिए, त्रिभुज ABP में इसके हम तीनों कोणों को लिखें अगर, तो ये जो कोण है वो एक A/2 है, तो कोण A का आधा 1/2 A धन कोण B का आधा धन तीसरा कोण P, इस कोण को हम P से प्रदर्शित कर रहे हैं, धन कोण P, ये बराबर होता है 180°। और इन दोनों कोणों का जो योग है अभी आपने लिखा है 90° के बराबर, तो आप लिख सकते हैं कि 90° धन कोण P बराबर 180°। यदि इसका पक्षांतर कर दे तो ऋण 90 हो जाएगा इधर आकर
और आपको मिलेगा कोण पी बराबर 180 ऋण 90 अंश। तो कोण पी का आपको मान मिलेगा 90 अंश। आपने इस तरह से सिद्ध किया कि ये जो कोण है वो 90 अंश का हो गया, और इसे आप इस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं जो समकोण को प्रदर्शित करता है। ठीक इसी तरह से आप देखिए, ये बी बटे दो है और ये सी बटे दो है, और ये जो कोण है वो भी बी बटे दो धन सी बटे दो धन क्यू, इसे भी आप लिख लें अगर हम, तो ये जो कोण है इसको हम लिखेंगे कोण बी का आधा धन कोण सी का आधा धन कोण क्यू, इस कोण की हम बात कर रहे हैं, धन कोण क्यू। ये भी त्रिभुज के तुलनांतर कोण है और इसलिए इनका योग भी 180 अंश होगा। और यहां पर फिर से आप देखिए, ये पूरा का पूरा कोण बी और पूरा कोण सी, इन दोनों समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा बी सी के काटने पर निर्मित हो रहे हैं, और इसलिए इन दोनों का योग भी 180 अंश होगा। और यदि इनके आधे को जोड़ते हैं तो ठीक इसी तरह से आप कह सकते हैं कि उन दोनों कोणों के अर्धकों का योग 90 अंश होगा। तो आप लिख सकते हैं यहां पर 90 अंश धन कोण क्यू बराबर 180 अंश, और इस तरह से आपको मिलेगा कोण क्यू बराबर 90 अंश। तो आप देख पा रहे हैं कि इस त्रिभुज में कोण क्यू 90 अंश का है। आप देख रहे हैं ये जो कोण है कोण पी क्यू आर, जो इस चतुर्भुज के अंदर का कोण है, वो इसका शीर्षाभिमुख कोण है, और निश्चित रूप से वो भी इस कोण के बराबर होगा। तो यदि आप इस कोण को भी क्यू से ही प्रदर्शित करते हैं तो इसका मान भी आपका 90 अंश हो गया। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि इस आयत में आपने दो कोणों को 90 अंश के बराबर सिद्ध कर दिया। और ठीक इसी तरह से आप इनके बारे में बात कर सकते हैं कि ये भी 90 अंश का होगा इस त्रिभुज के संदर्भ में, और ये कोण भी 90 अंश का होगा। अब आप देख रहे हैं कि पी क्यू आर एस एक ऐसे चतुर्भुज के रूप में आपके सामने है जिसके चारों कोण 90 अंश के हैं। तो आप लिख लें यहां पर कोण पी बराबर कोण क्यू बराबर कोण आर बराबर कोण एस बराबर 90 अंश। और एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 अंश के हैं, निश्चित रूप से एक आयत होता है। तो इस तरह से आप सिद्ध कर पाए कि किसी समानांतर चतुर्भुज के कोणों के अर्धकों से बनने वाला जो चतुर्भुज है, जो अंदर बन रहा है, वो एक आयत होता है। तो बच्चों इस तरह से आपका ये उदाहरण हल हुआ। आप इसे एक प्रमेय के रूप में भी देख सकते हैं और इसे हल कर सकते हैं। सोचें एवं चर्चा करें। पहला, आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। संकेत, आयत एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा, वर्ग के विकर्ण समान और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।